शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी, अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनेजा मॉल पर, क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, पार्टी वेयर गाउन, एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन के लिए। अनेजा मॉल, अपोजिट गांधी मार्केट, नियर ICICI बैंक, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर। जय माँ काली आमखो वाली। दोस्तों, आज अष्टमी के दिन मैं विवेक शर्मा आप सभी ग्वालियर वासियों को, सभी चंबल संभाग वासियों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अभी चंबल संभाग में 7 दिन तक हमारी टीम, जितने भी चंबल संभाग के प्रसिद्ध देवी मंदिर हैं, सभी मंदिर का कवरेज किया और सभी माताओं का आपको दर्शन कराया घर बैठकर। और दोस्तों, आज अष्टमी का दिन है और आज मैं यहां पर मौजूद हूं आमखो पर। आयुर्वेदिक कॉलेज के जस्ट पीछे है माँ काली का ये मंदिर, मांडरेगी माता के जस्ट नीचे और आयुर्वेदिक कॉलेज के जस्ट पीछे माँ काली का ये मंदिर, और कई वर्षों पुराना ये मंदिर है और सभी श्रद्धालु ग्वालियरवासी यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वो मनोकामना माँ काली आपकी पूरी करती हैं और सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करती हैं। चलिए आज आपको दर्शन कराता हूँ आमखो वाली माँ काली मंदिर के, और माता के दर्शन आप सभी श्रद्धालुओं को कराता हूँ। अभी आप देख सकते हैं, अभी शाम का वक्त है और इस वक्त सभी श्रद्धालु, दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालु यहाँ पर माँ के दर्शन कर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको अंदर लेकर चलता हूँ और माँ के दर्शन आपको कराता हूँ। और दोस्तों, अब आपको अष्टमी का दिन है और अष्टमी के दिन माँ काली मंदिर और आमखो और आयुर्वेदिक कॉलेज के जस्ट पीछे स्थित है माँ काली का ये कई वर्षों पुराना ये मंदिर, और जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं माँ काली के मंदिर में वो मनोकामना पूरी करती हैं माँ काली। और आप देख रहे हैं माँ काली का ये दरबार, और चलिए आपको दर्शन कराता हूँ माँ काली मैया के। कर रहे हैं माँ काली मैया के, आपकी जो भी मनोकामना है मांग लीजिए मैया से, क्योंकि मैया सबकी सुनती हैं और आप ये टीवी स्क्रीन पर सीधे दर्शन कर रहे हैं माँ काली माई के। बोलो काली मैया की। माँ काली के दर्शन करते हुए आप सभी ये मान्यता है, आप जो भी अर्जी लेकर आते हैं वो अर्जी माँ स्वीकार करती हैं और पूरा करती हैं और सबकी झोली भरती हैं माँ काली माई। आप दर्शन कर रहे हैं आमखो पर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज के जस्ट पीछे माँ काली का ये दरबार। जय माँ काली। भी श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद लेते हुए और जो भी मनोकामना लेकर आते हैं वो मनोकामना पूरी करती हैं माँ काली। और आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर पुष्पों की माला, नारियल और चुनरी माँ को अर्पित करते हुए सभी श्रद्धालु माँ के भक्त। और ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं डैन नेटवर्क पर और GTPL नेटवर्क, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से। नवरात स्पेशल प्रोग्राम में आज अष्टमी का दिन और अष्टमी के दिन हम यहाँ मौजूद हैं। और माँ को दीप, माँ की आरती उतारते हुए, हाथ जोड़ते हुए सभी श्रद्धालु और माँ की आरती करते हुए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ में श्री प्रदीप शर्मा जी,
उर्फ मटरू भैया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और माँ के चरण सेवक यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भैया, माँ का मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है और कब माँ के मंदिर की यहाँ पर? ये 1975 में हमारे दादाजी ने स्थापना करवाई थी इसकी, और ये 47 साल पुराना मंदिर है। 47 साल पुराना मंदिर है। दादाजी का नाम? पंडित श्री स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। लेकर आते हैं मैया की जो भी मर्जी लेके आते हैं, सारी मनोकामना मैया पूरी करती हैं, सारी तरह पूरी करती हैं। हाँ, और मैं पूछना हूँ, अभी तक नवरात्रि में लगभग कितने श्रद्धालु? संख्या तो नहीं कह सकते, डेली हजारों श्रद्धालु आते हैं। लगभग कितने श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं अष्टमी तक? हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, और सोमवार और शुक्रवार को विशेषकर ये संख्या कई हज़ारों में पहुंच जाती है। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है यहाँ। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। रात्रि 12 बजे तक श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना मांग के मैया उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो सीधे चले आइए यहाँ पर, आमखो आयुर्वेदिक कॉलेज के जस्ट पीछे माँ विराजमान है, माँ काली का ये प्रसिद्ध मंदिर। और आपकी जो भी मनोकामना है, आइए और दर्शन कीजिए और माँ आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। और आज अष्टमी के दिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और आपको लेकर चलते हैं सीधे मांडरे की माता पर। और दोस्तों, अष्टमी का दिन है और अष्टमी के दिन अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ मांडरे की माता पर, और आप ही का अपना वाला प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल ग्वालियर मेला महोत्सव की पूरी की टिपूरी टीम की, और अनेजा मॉल और डैन और GTPL नेटवर्क की संयुक्त प्रस्तुति नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम में मैं विवेक शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और इस वक्त मैं मांडरे की माता के मंदिर पर मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं यहां पर प्रसादी की दुकानें लगी हुई हैं। और प्रसादी माता को क्या क्या प्रसादी चढ़ाई जाती है? मिठाई वगैरह है, इलायची दाने हैं, मेवा का पैकेट है, का चुंडी वगैरह सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। लगभग कितने दिनों से? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए आज अष्टमी। आज कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? हम 25 सालों से। 25 सालों से आ रहे हैं यहाँ पर, और ये दुकानें आपको मिल जाएंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेला लगा हुआ है बच्चों के लिए, यहाँ पर झूले भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, और आप देख सकते हैं प्रसादी की दुकानें। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ सीधे मांडरे की माता पर। यहाँ पर पूरे शहर से, पूरे ग्वालियर शहर से श्रद्धालु आए हुए हैं माँ के दर्शन करने के लिए, माँ मांडरे वाली माता के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से श्रद्धालुओं की भीड़ का नज़ारा, और माँ का घंटा बजाते हुए आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा घंटा जो माँ का यहाँ लगा है यहाँ से। और कहते हैं जब भी हम घंटी बजाते हैं या हम घंटा बजाते हैं, ये आपकी अर्जी स्वीकार करती हैं मैया कि आप उनके दरबार में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु वन बाय वन घंटा बजाते हुए, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। और चलिए हम भी अपनी अर्जी लगाते हैं माँ के दरबार में, और आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी के दिन यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं सीधे आपको लेकर चल रहा हूँ माँ के दरबार में, और दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालु यहाँ पर माँ के दर्शन कर लौट रहे हैं, और कुछ श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। छोटों से लेकर, यानी कि बच्चों से लेकर बड़े तक माँ की आराधना करते हुए, भव्य मंदिर अद्भुत सजावट से सजा हुआ माँ का दरबार और माँ का ये मंदिर। और चलिए आपको अब अंदर लेकर चलता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ माँ मांडरे वाली मैया के। मैं हमारी माताजी यहाँ पर मौजूद हैं। माताजी कितने वर्षों से आ रही हैं मैया के दर्शन करने के लिए? बहुत सालों से आ रहे हैं हम तो इधर। कहाँ से आते हैं आप? हम दौलतगंज घाड़गी गोड़ से आते हैं। दौलतगंज से? तो माता की कोई भेंट भेंट आती है आपको? हाँ, क्यों नहीं आती। सुना दीजिए माता की कोई भेंट। अरे तूने मुझे बुलाया शेरवालिए,
अरे मैं आया शेरों वालिए पहाड़ों वालिए हमेला वालिए जोता वालिए। अरे तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए मैं आया शेरों वालिए। एक आपके लिए अनेजा मॉल की ओर से माँ का प्रसाद। थैंक यू। बोलो मैया रानी की जय। और अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ और अब चलिए आप सभी को दर्शन कराता हूँ माँ मांडरे वाली मैया के। और आप सभी दर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु ग्वालियर के दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालु माँ को दीप लगाते हुए माँ की आरती उतारते हुए आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और अभी ये हवन, माँ का हवन भी यहाँ पर चालू हो चुका है और माँ का हवन करते हुए सभी पुजारीगण, और ये माँ के हवन की तैयारी हो चुकी है और माँ का हवन करते हुए सभी और सभी ग्वालियरवासी जो माँ के सभी श्रद्धालु हैं, माँ के श्रद्धालु माँ को दीप लगाते हुए और माँ की आरती उतारते हुए आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर मांडरे की माता। कई वर्षों पुरानी, यानी कि कई वर्षों पुराना ये मंदिर है और सिंधिया ट्रस्ट द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया था। और चलिए अब आपको अंदर लेकर चलता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ मांडरे वाली मैया के। और अभी आपको लेकर चलता हूँ सीधे कैमरे की निगाह से आप दर्शन करेंगे माता रानी के। ये आप सभी दर्शन कर रहे हैं मांडरे वाली माता के। और आपकी जो भी मनोकामना है मांग लीजिए मैया रानी से, मैया सबकी मनोकामना पूरी करती हैं और आपकी भी जो भी मनोकामना है वो माता रानी पूरा करेंगी। हमारे सभी बुजुर्ग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं YouTube, Facebook, Instagram और डैन और GTPL नेटवर्क के माध्यम से, और दूर दराज बैठे हुए सभी, देश विदेश में बैठे हुए सभी श्रद्धालु, आपकी जो भी मनोकामना है वो मांग लीजिए मैया रानी से और मैया रानी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं और आपकी भी मनोकामना पूरी करेंगी मैया रानी। और माँ के सामने घंटी बजाकर हाजिरी लगाते हुए सभी श्रद्धालु आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, और माँ को चुनरी, नारियल और प्रसाद चढ़ाते हुए, पुष्प चढ़ाते हुए सभी ग्वालियरवासी और अपनी मनोकामना मांगते हुए माँ के दरबार में, क्योंकि माँ के दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया है और सभी की झोलियाँ भरती हैं माँ मांडरे वाली। और आप दर्शन कर रहे हैं माँ मांडरे वाली माता के और सीधे टीवी स्क्रीन पर। और की जोर से बोलो, जोर से बोलो। मांडरे की माता के पुजारी पंडित जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। पंडित जी, माँ की महिमा तो अपरंपार है, अभी तक कितने श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके कर चुके हैं? देखिए, श्रद्धालुओं की तो कोई गिनती नहीं है, एक अंदाज लगाया जा सकता है कि मतलब जो है लाखों आदमी आया है दर्शनों के लिए और माई से प्रार्थना करके गया है, अपनी अर्जी लगा के गया है, अपनी मनोकामनाएं लगा करके गया है और माँ उसका जरूर पूरा करती है। और जानना चाहेंगे जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को थोड़ा बहुत कम नॉलेज है कि माँ की स्थापना यहाँ पर कब से सन में हुई और माँ कब से सभी भक्तों का कल्याण करती है? यहाँ पर संबद 1930 में माँ की स्थापना हुई है और आज 150 साल भी चल रही है ये। आज जो है माई के दरबार में सभी भक्त लोग आ रहे हैं, अपनी अर्जी लगा रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं कर रहे हैं और माई की कृपा से यहाँ पर चारों तरफ अस्पताल हैं और अस्पतालों में जो है भक्त लोग आते हैं, मरीजों के लिए अपनी अर्जी मनोकामना लगाते हैं और माई की कृपा से वो अच्छे होकर के जाते हैं। और भी श्रद्धालु हैं
जो पिछले नवरात्रि में आए वो अपनी अर्जी लगा करके गए थे, जिनकी अर्जी पूरी हुई है वो अपनी अर्जी की पूरी करके जा रहे हैं और आज की तारीख में जो है अर्जी लगा रहे हैं वो अगले नवरात्रि में अपनी अर्जी पूरी करेंगे। माँ सबकी सुनती है, माँ तो दयालु है और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सच्चे मन से जो मांगता है अपनी आत्मा से विश्वास से वो माँ जरूर उसको देती है। जय माई की। शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी, अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनिजा मॉल पर, क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, पार्टी वेयर गाउन, एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन के लिए अनिजा मॉल, अपोजिट गांधी मार्केट, नियर ICICI बैंक, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर। और दोस्तों मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है राधा कृष्ण प्रॉपर्टी डीलर के ओनर अशोक शर्मा जी, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और डब्लू ब्लॉक जो नया तैयार हो रहा है यहाँ पर और बिल्कुल हाईवे से लगता हुआ ये डब्लू ब्लॉक, सर इसमें कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल है? यानी कि लोग सबका सपना होता है घर हो तो अपना हो और सारी सुविधाओं के साथ हो। सबसे पहली बात ये है कि ये जो जगह है ये फार्म 4 है, यहाँ कोई वाद विवाद और इस तरीके की कोई समस्याएँ नहीं हैं। ये GDA की डेवलप कॉलोनी है, यहाँ पे लगभग अपन 80 डुप्लेक्स बना रहे हैं। उनके अलग अलग साइज़ हैं, जैसे सबसे छोटे साइज़ की बात करें तो 20-40 का साइज, उससे बड़ा जो साइज़ है वो 20-50, उससे भी बड़ा जो साइज़ है वो 30-50। कमर्शियल में 140 फुट रोड और 60 फुट रोड है हमारे पास और रेजिडेंशियल में 30 फुट की रोड हैं, जिनमें हम जैसे कुछ लोग प्लॉट लेना चाहते हैं तो उनको प्लॉट देंगे और जो लोग मकान लेना चाहते हैं वो मकान देंगे। उनकी उनके पास बजट कम है तो उनको डुप्लेक्स ना बनाते हुए सिंप्लेक्स बना के देंगे। और जो भी सुविधाएं जो रहती हैं, रोड, सीवर, लाइट, पानी, गैस की लाइन, ये सब अपन कंप्लीट करके देंगे लोगों को। बिल्कुल। यानी कि जिस पे जैसी गुंजाइश है, हाँ, उस हिसाब से उनको काम करके देंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9229241002, ये मेरा मोबाइल नंबर है। एक बार और बता दीजिए। 9229241002। छोटे साइज के भी प्लॉट अवेलेबल हैं जिनकी कीमत 8-10 लाख रुपए है, वो भी लेना चाहे कोई आदमी तो वो भी दे देंगे। और फाइनेंस सुविधा भी? फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। अगर आप लेना चाहते हैं अपना घर, अपने सपनों का घर, तो ये नंबर है अशोक शर्मा जी का, ये आप जो देख रहे हैं ना ये वाली पट्टी, हाँ, ये नीले अक्षर में ये नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आइए सीधे संपर्क करना क्या, सीधे चले आइए शताब्दीपुरम डब्लू ब्लॉक में अपना ये टाइगर चौक से, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे नए वाले रोड की तरफ तो बिजली घर के जस्ट पीछे है डब्लू ब्लॉक। आइए और देखिए और पसंद कीजिए और आज ही बुक करा कर जाइए। और 9वीं और 10वीं का ये एक ऑफर चल रहा है यहाँ पर, आपको सरप्राइजेस प्राइज मिलेगा, रजिस्ट्री छूट, और आपको क्या रजिस्ट्री छूट रजिस्ट्री करा के देंगे और रजिस्ट्री करा कर देंगे। यानी कि अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं 9वीं और 10वीं या फिर आप ग्वालियर मेला महोत्सव का भी नाम लेकर आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो चले आइए सीधे दीनदयाल नगर शताब्दीपुरम Phase 2 डब्लू ब्लॉक बिजली घर के ठीक पीछे राधा कृष्ण प्रॉपर्टी डीलर के इस ऑफिस पर।